नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। ओपी राज पर खामोश बीजेपी ने क्यों अपनी बयानबाजी के लिए चर्चाओं में रहने वाले नेता को दी नसीहत। अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहने वाले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। लोकसभा चुनाव में घोसी में मिली हार और पेपर लीक केस में उनकी पार्टी के MLA का नाम आने के बाद भाजपा नेतृत्व ने ओम प्रकाश राजभर को बयानबाजी से दूर रहने की सलाह दी है। लोकसभा चुनाव में घोसी सीट पर मिली हार व पेपर लीक मामले में विधायक बेदी राम का नाम आने के बाद शुक्रवार को सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बेटे अरविंद राजभर के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व ने उन्हें अनुशासन में रहने व बयानबाजी से दूर रहने की सलाह दी है। गुरुवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुभाषपा प्रमुख को तलब किया था। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सुभाषपा प्रमुख ने शुक्रवार को अमित शाह व JP नड्डा से पहली मुलाकात की। राजभर हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, ऐसे में भाजपा नेतृत्व यह नहीं चाहता है कि राजभर के बयानों से विपक्ष को हवा मिले और सरकार मुसीबत में आए। सूत्रों के अनुसार राजभर ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्चा लीक मामले में विधायक बेदी राम के वीडियो के मामले में भाजपा नेतृत्व को सफाई भी दी। सुभाषपा के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात कर उन्हें मोदी सरकार 3.0 में फिर से मंत्री बनने के लिए बधाई दी। मुलाकात में राजनीतिक स्थितियों के साथ ही विपक्ष के मंसूबों को परास्त करने की रणनीति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।